The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज तो हद तब हो गई जब कोई इंसान आया, उसने पूछा कि ये जो ज्योतिष है ये तो आप ढोंग करते रहते हैं। प्रोफेसर साहब से नहीं कहा, जनरल बात कर रहा था चार लोगों में बैठकर। और तब तो प्रोफेसर साहब थे भी नहीं, वो लुधियाना से तब आ रहे होंगे। मैंने जब ये बात सुनी तो दिमाग में ये बात सबसे पहले आई कि ज्योतिष का जो नाम है वो इतना बदनाम कैसे है। हम इस मंच पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि जो ज्योतिष है वो बहुत बड़ा ज्ञान है, किसी को आता नहीं है, गूढ़ ज्ञान हम इसको कहते हैं, इसको हम विद्या तक कह देते हैं। लेकिन लोगों के मनों में, खासकर जो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, दो खेमों में बढ़ चुके हैं। एक वो जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पढ़ाई करते हैं, दूसरे वो जो कि इसको ढोंग मानते हैं, जो मानते हैं कि इसमें साइंस का एक कण भी नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या जो ज्योतिष है उसमें क्या, क्योंकि जब हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब बताते हैं तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ, मैं आपको बारीकी में लेकर जा रहा हूँ, मैं आपके साथ साइंस की बातें करूँगा। एस्ट्रोलॉजी का एपिसोड कभी कभी हेल्थ एपिसोड बन जाता है और कभी कभी वो साइंस एपिसोड बन जाता है। बातों बातों में ऐसी बातें निकल आती हैं। लेकिन जब आज ढोंग कहा तो मैं ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गई हूँ आज कि जो ज्योतिष है क्यों लोगों के मन में ऐसा है कि ये ढोंग है। और अगर उनको ये लगता है ढोंग है, जिन लोगों को ये लगता है, आज का जो एपिसोड है खास करके उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं यंगस्टर्स के लिए है। ज्योतिष क्या सिर्फ जो है इंसानों में समाया हुआ है? पिछले एपिसोड में हमने एक बात की थी, बरसात की बात की थी, हमने कुछ पक्षियों की बात की थी, कुछ गाथाएं सुनी थी और उनमें ये निकल के सामने आया था कि जो ज्योतिष है सिर्फ इंसानों तक ताल्लुक नहीं रखता है। ज्योतिष जो है उसके ताल्लुकात पूरी जो रचना है उससे जुड़े हुए हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप अगर सीधी कॉल करेंगे, अपनी कुंडली बताना शुरू कर देंगे फ़ोन पे, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, कॉल कीजिए, वक्त लीजिए। हो सकता है कि 2-3 दिन 4 दिन लेट के अपॉइंटमेंट मिले, लेकिन अगर ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ये तो काम कर रहा है लेकिन इसके अलावा भी आपको प्रोफेसर साहब से मिलना है और ज़रूरी है मिलना, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट ज़रूर लीजिए, कॉल कीजिए। अब तो चंडीगढ़ में भी ऑफिस खुल गया है, चंडीगढ़ में संडे को बैठते हैं, बाकी लुधियाना में तो इनका ऑफिस है ही। तो आपके लिए धीरे धीरे चीज़ों को आसान करने में लगे हुए हैं प्रोफेसर साहब। और उसके अलावा आप अमृतसर भी जा रहे हैं, सो कोशिश है कि दौरा जो है हर जगह का किया जाए ताकि निवारण हर जगह का हो सके। हम स्वागत कर लेते हैं और उसके बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में हैं, जो और बहुत यंगस्टर्स के दिमाग में हैं, जो उनका जवाब प्रोफेसर साहब से हम मांगेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज ज्योतिष को ढोंग कहा गया, वैसे तो बहुत लोग कहते होंगे लेकिन आज मैंने कानों से सुना। दूसरी बात ये कि कल जो हमने जब पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि जो ज्योतिष है वो सिर्फ इंसानों में नहीं है, वो तो पूरी रचना जो है उसमें, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो चींटियाँ हों, उनमें भी ज्योतिष का जो एहसास है या जो ग्रह हैं वो काम करते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है पुनीत जी। आज आपने साइंस के साथ ज्योतिष को जोड़ने की कोशिश की, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। मैं भी सबको ये समझाना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो इंसान के पास था लेकिन कुछ पन्ने अधूरे खो गए और अधूरी विद्या हमारे हाथ लगी, अब हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगा
चलो इंसान से ही, फिर मैं बताऊंगा धीरे 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 ज्योतिष किन किन के पास है और किन किन के पास नहीं। ये जो सितारे हैं, ये जो नक्षत्र है हमारे, 27 नक्षत्र हैं, एक अभिजीत नक्षत्र बीच में आता है, 27 नक्षत्रों का कैसे असर पड़ता है पृथ्वी पर। चलो नक्षत्रों की बात तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं चंद्र की ही बात कर दूँ। चलो जीव जंतु के ऊपर चलते हैं, फिर इंसान की रचना के ऊपर चलते हैं कि इंसान ने कौन कौन सी गलतियाँ की और उसका जो भुगतान है वो भुगत रहा है। एक मछली है, छोटी सी मछली को पता चल जाता है कि पानी समुन्द्र का बढ़ रहा है। पानी समुन्द्र का तब बढ़ता है जब चंद्रमा धरती के नज़दीक आता है, समुन्द्र का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे चंद्र अस्त होता जाता है, जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है, वैसे वैसे पानी धीरे धीरे डाउन होता जाता है। एक छोटी सी मछली को कैसे पता चल जाता है? वो पहले से ही अपने अंडे जमीन पर देने आ जाती है। जब वो पानी ऊपर आता है और जब नीचे जाना शुरू हो जाता है, अपने अंडे जमीन पे देती हैं, कहते हैं समुद्र के तट पे ऊपर, और पानी तब तक ऊपर जाता नहीं, फिर नज़दीक जाता है। तब जब तक 7 दिन 10 दिन में वो अंडे फूलने लगते हैं, तब पानी का दबाव ऊपर आता है, वो मछलियाँ निकलती हैं और पानी में चली जाती हैं। ये मछली को कैसे पता चलता है कि पानी अब घटने वाला है? ये ज्योतिष तो है। एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, जापान में छोटी सी चिड़िया है एक, जो भूकंप को 24 घंटे पहले बता देती है। और जो इंसान हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, वो 2-4 घंटे से पहले नहीं बता सकते, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया 24 घंटे पहले बता देती है भूकंप धरती के ऊपर आने वाला है। उसको कैसे पता? ये ज्योतिष ही तो है कि उसको पता चल जाता है। इंसानों ने ज्योतिष कैसे खोई वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं सभी पंछियों के ऊपर आता हूँ। वो पंछी जो सर्दी में रहते हैं, उनको कैसे पता 1.5 महीने बाद इसके ऊपर बर्फ़ पड़ने वाली है? वो अपना स्थल छोड़ के मैदानी इलाकों में जाना शुरू कर देते हैं, उनको कैसे पता अब बर्फ़ पड़ने वाली है 15 दिन बाद या 10 दिन बाद? उन पंछियों को कैसे पता कि अब बरसात यहाँ आने वाली है, हम दूसरी ओर जाएं, 1000-1000 मील वो उड़कर जाती हैं, उनको कैसे पता? 15 दिन पहले से ही पता चल जाता है अब यहाँ बरसात शुरू होने वाली है, यहाँ पर दाना मिलने वाला नहीं, अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, उनको कैसे पता? ये ज्योतिष ही तो है। अब मैं इंसानों के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले मैं जीव जंतु को बता दूँ कि इतना बारीकी में वो जानते हैं, इंसान कभी भी नहीं जान सकता, लेकिन इंसान के पास ज़्यादा ताकत है उनसे जानने की। इंसान क्या करता है, अपने दिमाग से वो ताकत को ख़त्म कर देता है और दूसरी बनाने में लग जाता है जो इंसान के लिए खतरनाक होती हैं। ऐसी चीज़ें बनाता है इंसान, गाड़ियाँ बना दी, उससे क्या हुआ, एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, सुविधा तो बढ़ गई लेकिन जन जीवन का कल्याण की बजाय नुकसान होना शुरू हो गया। इंसान ने तरक्की तो की, क्या की, इंसान को ख़त्म करने के लिए इंसान ने परमाणु बम तो बना लिए लाखों जीव जंतुओं को और इंसानों को मारने के लिए, लेकिन इंसान का जो दिमाग, हर एक जीव के अंदर एक ऐसी नफ्स है, एक ऐसी नाड़ी है, हर पंछी में, हर जानवर में, हर के पास एक ऐसी है जो के पहले से ही पता चल जाता है कि वो काम होगा या नहीं होगा। अमेरिका का भी एक राजा था जिसको 3 दिन पहले से पता चल गया था कि मैं इस व्हाइट हाउस में इस नंबर कमरे में मरने वाला हूँ। सबको पहले से स्वप्न आ जाता है इंसान को, लेकिन इंसान अपनी ताकत को बढ़ाता नहीं, अपने दिमाग से उस ताकत को कम जरूर कर लेता है। जो इंसान ज़्यादा अपनी दिमाग की वर्तों करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जो दिन रात हर चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, अरे ये मैंने स्वेक्स लेनी है, ये मैंने अनक लेनी है, ये अनक तो वहाँ पे सस्ती मिलती है, ये महंगी लगा रहा है, वहाँ जाते हैं नहीं उस बाज़ार में से और भी सस्ती, जितना वो दिमाग लगाते हैं उतना ही डाउन जाते हैं। आज तक जितने बंदों ने ऐसे किया है वो सब डाउन है।
क्यों? क्योंकि उसने अपनी अंदर की जो क्षमता है, अंदर की जो ताकत है, उसको जगाने की बजाय दिमाग को घुमाना शुरू कर दिया। हर इंसान में एक ऐसी ज्योतिष है, आने वाले समय को पहले से ही आभास हो जाता है आने वाले समय का। एक औरत मेरे पास आई, कहती प्रोफेसर साहब, आप बोलते हो सपनों का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हमें बताइए, हमें तो ऐसी बातें सोची भी नहीं होती जो हमारे सपने में आती हैं। मैंने कहा वो आने वाली बातें होती हैं, तभी वो आती हैं, नहीं तो नहीं आती। स्वप्न वही होते हैं जो आने वाले हों, या तो आपने देखा है या आप उसके बारे में सोच रहे हो, स्वप्न वैसे नहीं कभी भी आते। चलो, बातों बातों में बात आई तो मैंने सोचा थोड़ी सी और बारीकी में बता दूं आपके बारे में। इंसान को जो उम्र मिलती है वो 120 साल की मिलती है। इंसान का जो दिमाग होता है उसकी उम्र होती है 600 वर्ष की होती है। इंसान की जो आत्मा होती है उसकी हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष उम्र होती है। कैसे? अब मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको स्वप्न आया, आप बोलते हो मैं तो पिछले जन्म में राजा था, वो वाकई में राजे थे। आपको स्वप्न आया कि आपको कुछ लोग पीट रहे हैं, वो या तो पीटेंगे या पीट चुके हैं, या फिर पिछले जन्म में पीटा होगा, या आप मार रहे हो, आने वाले जन्म में मारोगे। कई दफा तो आपने अभी भी सुना होगा कि क्या हुआ, उस बच्चे को पिछला जन्म याद आ गया। क्यों? क्योंकि वो दिमाग एक ही है, 6 जन्मों का दिमाग एक मिलता है हर इंसान को। वो और भी बारीकी में है, वो भी मैं आपको बारीकी में बताता हूं। कैसे? हर इंसान को 6 जन्म मिलते हैं इंसान के, 84 लाख जन्मों में से 6 जन्म होते हैं इंसान के। 6 जन्मों में वो कब भगवान को पाएगा, कब वो अपनी सिक्स सेंस जगाएगा, कब वो शक्ति को पाएगा, वो 6 जन्म मिलते हैं हर इंसान को। वो मैं फिर बताऊंगा आपको, ग्रह कौन से ग्रह उस सिक्स सेंस को जगाते हैं। चलो थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने पहले भी कहा था राहु ज्योतिष को सिखाता है। कुछ ज्योतिषियों ने बोला राहु ज्योतिष कैसे हो सकता है, ये गलत है। मैंने उसे बताया, प्रमाण देता हूं आप सबको, जब तक मैं साइंटिफिक रीजन ना बता दूं तब तक आपको पता नहीं चलता। हवा जो होती है वो गुरु की होती है। मान लो यहां पे सूर्य है, यहां पे आपकी बिल्डिंग है, सूर्य यहां पे है तो बिल्डिंग की परछाई कहां पे चलेगी, यहां पे पड़ेगी। यहां पे सूर्य है, यहां पे बिल्डिंग है और परछाई पीछे पड़ेगी। सूर्य ने उत्तरायण, सूर्य फिर दक्षिणायन चलता है, ऐसे सूर्य चलता है। सर्दियों में उत्तरायण और गर्मियों में दक्षिणायन, यानी कि दक्षिण की ओर से निकलता है, सर्दियों में उत्तर की ओर से, जैसे कि उत्तर की ओर पूर्व जाता है और पूर्व की ओर से पूर्व उत्तर की ओर जाना शुरू हो जाता है, ऐसे सूर्य की। पहले से ही सूर्य धीरे धीरे जैसे जैसे चलता रहता है बिल्डिंग की छाएं वैसे वैसे घूमती रहती है। हम चेयर पहले से उठा के वहां पर बैठ देते हैं, अब यहां पर छाएं आएगी। किसने बताया? ये राहु ने। राहु क्या है? वो है छाया। पहले से ही बात का आभास हो जाना ये राहु के ऊपर डिपेंड है, ये राहु बताता है। और मैंने एक बार बात बोली थी कि गुरु ज्ञान देता है, राहु ज्योतिष लाता है। क्योंकि आने वाली बात का आभास होना जाना, आने वाली बातों के बारे में बताना, ये राहु बताता है। आभास जो है उसमें कितनी ताकत है ये भी आप बता रहे हैं, और ज्योतिष कैसे आभास को लेकर आता है ये भी आप बता रहे हैं। और वाकई में ऐसी बातें कभी सुनी नहीं है और पता भी नहीं था कि इन सब चीज़ों में ज्योतिष जो है वो बसती। वो कण कण में ज्योतिष है, आपको और बारीकी में बताऊंगा। लेकिन ये क्या है, हम सब जो भी जानते हैं, अरे गुरु से ज्योतिष आती है, कभी नहीं आती गुरु से ज्योतिष। गुरु से ज्ञान आता है, ज्योतिष नहीं आते। पंचम घर ज्योतिष का होता है। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आपको इसी चैनल के ऊपर ज्योतिष के गूढ़ रहस्य बताऊं जो कि आपने कभी सुने ही नहीं। प्रोफेसर साहब, एक सवाल दिमाग में यही आता है कि अब तक हमने जो ज्योतिष की बात की वो हमने पॉजिटिव बात की कि चिड़िया जो आपने बताया उसको पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो लेकिन कुछ नेगेटिव भी क्रिएट कर सकती है ज्योतिष? हर एक चीज़ नेगेटिव ही करती है और पॉजिटिव भी करती है। मान लीजिए जब भी मंगल और शनि का मेल आता है, आजकल मंगल और शनि का मेल है, एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं देखिए अपने शहर में,
देखिए हर जब भी मंगल और शनि का मेल आता है जहाज क्रैश होते हैं, ट्रेनों की टक्कर आती है। जब भी मंगल और शनि का मेल होगा एक्सीडेंट में लोग ज़्यादातर तादाद उनकी बढ़ जाती है, ये मंगल और शनि करवाते हैं। ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है, हम खोज करते हैं कि ये बंदे को ऐसा क्यों हुआ। जितने भी बंदे डिफेंस में होते हैं उनका मंगल जागृत होता है, वो जब जन्म लेते हैं मंगल हैवी होता है, मंगल पावरफुल होता है, वो बंदे डिफेंस में जाएंगे। जितने भी बंदे एक्ट्रेस बनते हैं उसका शुक्र और राहु बहुत प्रभावित तो होता है। जितने भी इंसान मीडिया में जाते हैं उनका सूर्य और राहु बहुत बढ़िया होता है। देखिए कहते हैं इंसान के ऊपर कौन सा ग्रह प्रभावी है। मान लीजिए आपके ऊपर शनि प्रभावी है तो आप जिसको भी सलाह देंगे, जज क्या होता है, शनिदेव, फैसले आपके अटल होंगे और जो फैसला करोगे वो 100% होगा। वो क्या करवाता है, शनिदेव। ये ग्रह ही हैं, जब बुरे ग्रह और बुरा ग्रह कहते हैं मंगल कार्य करवाता है और सर्वनाश भी मंगल ही करता है। मंगल जब बद हो जाता है, मंगल बद किससे होता है, बुध के साथ मंगल बैठ जाए, मंगल को बुरे ग्रह देखने लगे, मंगल के साथ शनि आ जाए, तो मंगल बद हो जाता है, मंगल खराब हो जाता है, शनि भी खराब हो जाता है। ऐसे में एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, सर्जरी का योग होता है, बार बार एक्सीडेंट होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल और शनि का योग होता है। बहुत रहस्य है कुंडली में। एक इंसान मेरे पास आया, कहता है मैंने लाल किताब पढ़ी है और मैं बहुत हर इंसान के पास जाके आया हूँ, बड़े बड़े लाल किताब वालों के पास जाके आया हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा लाल किताब अधूरी है। वो इंसान लाल किताब का बहुत बड़ा ज्ञाता था, कहता ऐसा कैसे अधूरी है। मैंने कहा अभी बताता हूँ, साबित करता हूँ हर बात को, साइंटिफिक रीजन से साबित करता हूँ मैं। और आप जो भी बात बोलोगे, कोई भी क्वेश्चन दोगे ज्योतिष का, मैं साइंटिफिक रीजन से साबित करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा मैं। मैंने कहा अभी साबित करता हूँ। कहता कैसे। मैंने कहा देखिए सूर्य को कर्क राशि में होगा, लग्न कर्क हो, सूर्य लग्न में हो तो क्या कहती है लाल किताब। लाल किताब कहती है बुलंद आवाज, लाल किताब कहती है किसी की बात ना मानने वाला, सूर्य में लग्न अगर सामने से जाएगा तो वो बंदे सभी सलूट मारेंगे। मैंने कहा ठीक है लाल किताब ये कहती है। मैंने कहा अगर कर्क लग्न का होगा तो बताइए। मैंने कहा ये तो मेष लग्न का होता ना, अगर कर्क लग्न होगा तो अगर पानी में सूर्य को डुबो दोगे तो क्या उसकी रोशनी होगी, क्या उसकी तपस होगी। हम लाल किताब के ऊपर राशियां नहीं होती, लेकिन जो इंसान राशियों को इकट्ठा करता है और तब लाल किताब के बताता है, लाल किताब जिसने लिखी थी उनको स्वप्न आते थे सुबह, रात को वो सोता था वो ऐसे। मैंने ऐसी विधि आपको भी बताई थी कि हर इंसान ऐसे कर सकता है। हर इंसान के पास एक ऐसी शक्ति है जो अपने दिमाग से ख़त्म कर देता है, क्योंकि अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देता है वो शक्ति को खो देता है। अपना दिमाग कम दौड़ाइए, उस शक्ति को जागृत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हर इंसान के पास एक ऐसी शक्ति है जो कि सोते वक्त जब सोने में 2 सेकंड रह जाएं तब आप मुंह के ऊपर बात बोलिए मैं इस बात का आंसर चाहता हूं। सुबह वो बात का आंसर आपके मुंह के ऊपर होगा, आपकी जुबान से निकलता होगा। देखिए करके आज ही कीजिए तो बताइए, आपको पता चलेगा आपके अंदर कितनी, चलो आंसर छोड़ो सुबह, अब आज ही ये उपाय कीजिए। आप बोलिए सोते वक्त मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूँ, एक घड़ी का अलार्म आपके दिमाग में वो टर्न करके बजेगा, सुबह देखना घड़ी में कितने बजे हैं, 4 बजे होंगे। आज ये कीजिए आपको पता चलेगा आपके अंदर कितनी शक्ति है। लाल किताब वाला इंसान वो भी ऐसे करता था, वो सोता था, वो कहता था मंगल जब लग्न में हो तो क्या होना चाहिए। उनको जो उन्होंने उसकी भाषा में वो बोला वो वैसे वैसे ही लिखते गए। मैंने लाल किताब पढ़ी है, लेकिन लाल किताब में से 20 पन्नों में से एक अक्षर मैंने उठा लिया। पूरी लाल किताब में से मैंने 600 चीज़ें उठा ली, बस उलझने वाली चीज़ें नहीं मैंने उठाई कभी भी। टक्कर देता है, ये देता है, वो ऐसा कुछ नहीं मैंने उठाया, ये टक्करे सब गलत। मैं ये नहीं कहता किसी भी स्टडी को मैं गलत नहीं कहता, क्यों, क्योंकि पराशर ज्योतिष बेस है भाई। जो इंसान पराशर ज्योतिष को नहीं ढूंढता, नहीं लगाता, उसकी शिखाएं टूट जाती हैं। शिखाएं आपने कौन सी लगाई, लाल किताब की, भृगु संहिता की,
और जो भी शिखाएं लगाती वेस्टर्न की, जो भी आपने शिखाएं लगाई, बेस क्या है? प्राचर ज्योतिष, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राचर ज्योतिष ही जड़ है। अरे भाई, सफेदे तो वैसे ही गिर जाते हैं, और जो जड़ होती है पीपल की जड़ बहुत मजबूत होती है, नीचे तक जाती है, वो है प्राचर ज्योतिष। अगर आप लाल किताब अकेली पढ़ोगे तो डूब जाओगे, कभी निर्णय नहीं कर पाओगे। हाँ, फंडे हैं लाल किताब के, मंगल यहाँ पे होगा तो दोस्त मित्र अच्छे नहीं होंगे, मंगल ग्यारहवें घर में है बड़े भाई के साथ नहीं बनेंगे। देखिए, मैंने आपको एक योग के बारे में बता दिया, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे योग बोलता हूँ वो 100% सही होते हैं। देखिए, जिन जिनकी कुंडली में मंगल ग्यारहवें घर है, चाहे कोई भी राशि में है, उसका बड़ा भाई होगा नहीं, अगर होगा तो बनेगी नहीं आने वाले समय में। लगाइए अपनी अपनी कुंडलियाँ, निकालिए बाहर। ये लाल किताब की बातें हैं, ये मैंने सीखी, सिर्फ कितनी सीखी, 640 चीजें बस, इससे ज्यादा नहीं। मैंने लाल किताब को बंद करके रख दिया। प्राचर ज्योतिष और लाल किताब दोनों को इकट्ठा करोगे, और साथ में केपी इकट्ठी करोगे, और साथ में आप अगर वेस्टर्न करते हो उसको भी साथ में लोगे, क्योंकि वेस्टर्न के जो होते हैं कहते हैं स्केयर वेस्टर्न का किसने मारा, स्केयर कौन दे रहा है गुरु को, मंगल दे रहा है, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। वो दूसरों को कामयाब करेगा। देखिए, एक योग के बारे में और बता दिया मैंने, वेस्टर्न में जब कभी आप गुरु को मंगल स्केयर देता है, वो इंसान दूसरों को कामयाब कर सकता है, खुद नहीं कभी होता। इसी तरीके से ये ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है, ऐसी आपने शिखाएं लगा रखी हैं, लेकिन बेस को कभी मत भूलिए, बेस है प्राचर ज्योतिष। और ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो पहले पूर्ण था, अब पूर्ण नहीं है, अब अधूरा है। हम खोज कर रहे हैं उस पूर्ण ज्ञान को पूर्ण करने की। अरे भाई, ज्योतिष तो एक ऐसा गूढ़ ज्ञान था कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आते थे ज्योतिषियों के पास, बरसात कब होने वाली है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी करते थे जो ज्योतिषियों ने बोला है। ये पुराण में भी लिखा हुआ है, जिस सूर्य के ऊपर धब्बे हैं, चलो सूर्य की बात आई क्योंकि मेरे मुंह से अंदर से सूर्य भगवान का नाम हमेशा हर एपिसोड में निकलता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकलती हैं। सूर्य में छोटे छोटे विस्फोट आते हैं, जब वो स्पॉट 11 से ऊपर बढ़ जाते हैं, 11 स्पॉट सूर्य में रहते ही रहते हैं, जब वो 33-35 तक बढ़ जाते हैं, पृथ्वी पर बीमारियां बढ़ जाती हैं। कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जितना भी है वो राहु का है, खिंचावट जो होती है चुंबकीय खिंचावट वो राहु की है, और पृथ्वी के ऊपर बीमारियां, अब सूर्य के ऊपर विस्फोट बढ़े हुए हैं, अब बीमारियां भी बढ़ी हुई हैं। देखिए आप, सूर्य के ऊपर 11 साल के बाद हलचल होती है, धरती में भी 11 साल के बाद जंग लगती है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं कभी कहीं, और जो जंग लगती है और जो हमारे पौधे हैं वो भी तय मोटी कर लेते हैं 10 साल के बाद, तभी पौधे की उम्र का पता चलता है ये कितना उम्र का हो गया। ये सारी बातें मैं साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ, हर बात को साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ, ताकि पता चले हमारा एक ज्योतिष ऐसा गूढ़ ज्ञान था जो खो गया, अब हम खोज कर रहे हैं उसको पूर्ण करने की। वैसे तो प्रोफेसर साहब, ये पूरा एपिसोड उन लोगों के लिए जवाब है जो ज्योतिष को नहीं मानते, लेकिन जैसे अगर जो युवा लोग हैं, अगर उनको हमें ये जवाब देना हो कि ज्योतिष ढोंग नहीं है, उनको, वैसे तो ज्योतिष जैसे गूढ़ ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसको मापना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी समझाने के लिए हमें उनको बता देना चाहिए। एक लाइन में ही बताता हूँ, चलो आप सबको एक लाइन में ही बताता हूँ जो ज्योतिष को नहीं मानते। सभी कहते हैं सावन का महीना, सावन का महीना क्या होता है? अरे भाई, सावन के महीने में बरसातें आती है, ये तो पता है आपको, कर्क राशि में सूर्य आता है तो सावन का महीना बनता है, तो ही बरसातें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कर्क राशि क्या है? पानी की, पानी में सूर्य आएगा तो पानी बरसेगा। एक लाइन में जवाब, मेरे पास तो हर बात का जवाब है। अब जब फसलें पकती हैं तो बरसातें होती हैं, क्यों? क्योंकि मीन राशि में सूर्य होता है, तब जैसे ही फसल काटने वाली होती है तो बरसातें होनी शुरू हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि मीन राशि में सूर्य, बरसाती पानी का कौन सा बरसाती पानी आएगा? आएगा मिट्टी वाला पानी, जिसमें आपको मिट्टी आएगी, जिसमें गंदगी आएगी। मीन राशि क्या है? गंदगी है, हमारे भीतर से जो गंदगी निकलती है।
सावन के महीने में जो बरसात आती है शुद्ध पानी, साफ पानी की आती है। देखिए ये साइंटिफिक रीजन से, मैं हर बात का जवाब साइंटिफिक रीजन से दूंगा और एक लाइन में दूंगा। जो इंसान कहते हैं ज्योतिष नहीं है मेरे पास आए, उसको मैं साबित करके दिखाऊंगा कि तेरे भीतर क्या है, तू जब पैदा हुआ कैसे नक्षत्रों को लेके आया और कैसे नक्षत्र तेरे आए, तू आगे क्या करेगा और क्या होगा। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता, मैं हर बंदे को यही बताता हूँ, मेरे पास आपके मिलने के सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे में जो जो मैं आपको बताता हूँ, 15 मिनट मेरे बताने में लगते हैं, आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, 10 मिनट मुझे कुंडली बनाने में लगते हैं, जो उसकी दशा महादशा गोचर और वर्षफल निकालने में लगते हैं, टोटल होते हैं 20 मिनट, और 10 मिनट उनको मैं उपाय बताने में लगा देता हूँ, और 5 मिनट मैं रखता हूँ उनके लिए जो ज़्यादा फेडअप होते हैं, 5 मिनट ज़्यादा भी देने पड़ते हैं मेरे को, आधा घंटा देता हूँ और आधे घंटे में समझाना भी पड़ता है। अरे भाई तेरी ज़िंदगी कैसी है, मेरे पास कुछ लोग आए कहते हैं अरे भाई हमारी कुंडली मीन लग्न की है और जो मेरा जन्म हुआ वो रात को 1:30 बजे हुआ। वाह भाई वाह। मैंने कहा रात को 1:30 बजे तो आपका ये कन्या लग्न बनता है, मीन लग्न तो बनता ही नहीं है। नहीं, मैंने कुंडली पढ़ी थी, मीन लग्न की कुंडली थी, मुझे ये कुंडली के बारे में बताइए। मैंने कहा अगर आप कुंडली के बारे में जानते हो मेरे पास आए क्या लेने आए हो, मेरे को जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 1:30 बजे लग्न बनता है कन्या, आप मेरे को बता रहे हो मीन लग्न, मेरे को उल्टा पढ़ा रहे हो, मेरे पास क्या करने आए हो। वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, वो कहते हैं 500 ज्योतिषियों के पास गए, क्यों गए, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम किया उनका, क्यों, क्योंकि बुध ग्रह खराब है। कन्या लग्न होता है हवा, कन्या क्या है खाली, कन्या क्या है बुध, बुध खाली होता है, उसमें हवा ही हवा होती है, प्लान ही प्लान चलते हैं, सरकार कुछ नहीं करता। कन्या लग्न वाली भी सुनिए, ये कन्या लग्न के ऊपर लागू होता है जो मैंने बात अभी बोली, वो प्लान बनाते रहते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, होता कुछ भी नहीं है, वो खाली दिमाग कमाते रहते हैं। ये मेरी बात, जो भी मैं बात बोलता हूँ साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ ताकि आपको पता चले ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है। प्रोफेसर साहब मुझे नहीं लगता कि ज्योतिष के बारे में इससे सही और सटीक कोई और बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एक एपिसोड में बातें सिमटी नहीं जा सकते, नहीं एक एपिसोड में बातें हो ही नहीं सकती। तो बात यह है कि आपका तो चलो धन्यवाद हम कर ही देते हैं, हमेशा मना करते हैं कि मेरा धन्यवाद मत किया कीजिए, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज है कि मैं लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर आकर लोगों की जिंदगियां रोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कभी नहीं कहती कि कर रहा हूँ, ये कहते हैं कि कोशिश कर रहा हूँ। सो आपको ये कोशिश कैसे लगती है, आप फ़ोन करके बता भी सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। प्रोफेसर साहब वक्त सिर्फ 1 मिनट रह गया है, धन्यवाद आपका कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी एक सवाल ये कि चंडीगढ़ में भी अब आप बैठते हैं, सिर्फ एतवार के एतवार बैठते हैं? संडे को संडे ही बैठता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 महीने में 1 शहर में जरूर जाऊँ, जो वो लेडीज़ वो जेंट्स जो आ नहीं सकते लुधियाना मेरे पास, उनके शहर में मैं खुद जाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक वो कोशिश जारी है, अभी तक सिर्फ अमृतसर में गया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आगे बढ़ूँ। तो ठीक है, बात यह है कि हर शख्स तक पहुँचना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, और तब जब ज्योतिष की बहुत सारी झूठी दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं और बहुत सारे जो युवा लोग खास करके हैं उनका जो विश्वास है वो ज्योतिष से डगमगा गया है या फिर कभी पनपा ही नहीं या फिर कभी पैदा ही नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो प्रोग्राम है हमारा द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, और ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है ये एक किताब भी है, और ये एक ऐसी किताब है जो आपके लिए कस्टमाइज की जाती है, जो आपको देखकर आपसे मिलकर या फिर फ़ोन पे बात कर इस किताब को स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है। बाकी इस बारे में तो हम चर्चा करते ही रहेंगे, आज के लिए द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में इतना ही, धन्यवाद। The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। The Secret of Your Life.